फ्रेंड्स आपके पिक्सल लैब में जो यहाँ पे फॉन्ट था वो ऑटोमेटिक क्या हुआ, सारा डिलीट हो गया है फॉन्ट। आप जब फॉन्ट ऐड करने जा रहे हो तो कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम लिख के आ रही है, लिख रहा है नो डिलीटेबल फॉन्ट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे हो भाई हमारा फॉन्ट भी डिलीट हो गया, इसमें फॉन्ट ऐड नहीं हो रहा है, क्या बिग प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? तो आपको जरा भी टेंशन लेने की प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा यहाँ पे क्या हुआ प्रॉब्लम हुआ है उसी का मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो आपके पास ये पिक्सल लैब क्या किया है, हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। ठीक है, आपके स्मार्टफोन में काफी दिन से आप यूज कर रहे थे और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वगैरह है ना सब कुछ डिलीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं करता है, बहुत लोगों में डिलीट हो जाता है, बहुत लोगों में नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही तो उसी का सलूशन बताने वाला हूँ। देखो चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, देख के चले जाते हो वीडियो को। देखो कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद जो ये पिक्सल लैब है इसको क्या कर देना है, इंस्टॉल मार देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट कर दोगे उसके बाद ही आप जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ये वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। देखो डिलीट कर दिए हो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने स्मार्टफोन में आ जाना है। स्मार्टफोन में आ जाने के बाद हमें क्या करना है, क्रोम पे चले जाना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। देखो जो ही आप क्रोम ब्राउजर पे जाओगे तो यहां पे आपको क्या कर देना है, सर्च बार में आ जाना है। सर्च बार में आ जाने के बाद अब हमें क्या कर सर्च कर देना है, पिक्सल लैब ऐप। ठीक है, एपीके, पिक्सल लैब एपीके हमें लिख के सर्च कर देना है। देखो जो ही आप पिक्सल लैब एपीके लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगे, सारी वेबसाइट फेक है। ठीक है, कोई इसमें जेन्युइन नहीं है। यहां पे एक वेबसाइट आ रही है जिसका नाम है अप टू डाउन। ठीक है, इस पे हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है इस वेबसाइट पे। देखो जो ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे इसके बाद आपको ध्यान देना है यहां पे। ठीक है, यहां पे सबसे पहले ध्यान देना है, अगर यहां ध्यान नहीं दोगे तो भाई इतना तक वीडियो देखना आपको क्या होगा, सारा व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लेटेस्ट वर्जन है, गेट लेटेस्ट वर्जन ओल्डर वर्जन। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, ओल्डर वर्जन पे क्लिक कर देना है, लेटेस्ट में मत आप क्लिक करना, आपको क्या कर देना है, ओल्डर वर्जन पे क्लिक कर देना है। ओल्डर वर्जन पे आप अपने स्मार्टफोन में क्लिक करोगे तो यहां एक छोटा सा ऐड आएगा। ठीक है, ऐड को हमें क्या कर देना है, कट कर देना है। अब देखो यहां पे अब समझने वाली बात है। ठीक है, अब हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है तो यहां पे आपके सामने देख सकते हैं बहुत सारे वर्जन दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्जन दिए हैं, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। देख सकते हैं एक दिया है नवंबर 16, 2020। ठीक है, यहां पे दिया है 1.9.9, आपको ढूंढ लेना है, पहले इसमें से ढूंढ लेना है भाई कि नहीं ये कहां लिखा है। तो देख सकते हैं ये यहां पे लिखा है 1.9.9। ठीक है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। इस पे जो ही आप क्लिक करोगे तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब हमें क्या कर देना है, डाउनलोड। देखो इसकी जो मतलब एमबी की साइज रहेगी 28.31 MB की साइज रहेगी, हम इस पे क्लिक कर देंगे। अभी देखो वीडियो स्किप मत करना, ठीक है, अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना अभी बाकी रह गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे डाउनलोड होने देते हैं, डाउनलोड होने के बाद अगला स्टेप बताते हैं। अब दोस्तों हमारा पिक्सल लैब यहां पे क्या हुआ, डाउनलोड हो गया है। ठीक है, इसमें से कुछ जो फॉन्ट होते हैं ना ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं, अब कोई भी आप फॉन्ट इसमें ऐड करोगे तो यहां से आसानी से ऐड हो जाएंगे। आई होप ये जो छोटी सी आपको प्रॉब्लम आ रही थी उसका मैंने फुल सलूशन दिया। आपसे देखो रिक्वेस्ट है, वीडियो फिर से आपसे बोल रहा हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि नहीं आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में जेन्युइन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।